नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। विकासखंड सफीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुसरूपुर एक बार फिर सुर्खियों में। सफीपुर उन्नाव खुसरूपुर कोटेदार की दबंग गई महिलाओं से अभद्रता और गालियों से बात, सत्ता की हनक से दबंग गालीबाज कोटेदार, सफीपुर आपूर्ति विभाग के हुक्मरान मेहरबान आखिर क्यों। उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हमेशा से चर्चित रहने वाला जनपद उन्नाव विकासखंड सफीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुसरूपुर कोटेदार की दबंग गई एवं महिलाओं से अभद्रता और गालियों से बात, सत्ता की हनक से दबंग कोटेदार के ऊपर सफीपुर आपूर्ति विभाग के हुक्मरान मेहरबान है आखिर क्यों। सत्ता की हनक से दबंग कोटेदार सरकारी मशीन में अंगूठा ना लगने का बहाना बनाकर फरियादियों की आस तोड़वा देता है। क्या नाम है भाई साहब? रामेश्वर। रामेश्वर किस गांव के निवासी हैं? अन्नापुरवा। तो क्या समस्या है आपकी? राशन नहीं लेते कोटेदार। कौन कोटेदार है? तारा सिंह। क्या कहता है? कहते हैं उठा लगवा लेते, कल ले हुआ है, परसों ले हुआ है, कल शाम के यहाँ आ जाओ, शाम टाइम आ जाओ। अच्छा, मतलब अंगूठे लगाने के बाद राशन नहीं देता है? नहीं देते। तो ये कब से समस्या चल रही है? 4-5 महीने से उनका नहीं दे। 4-5 महीने से दिया ही नहीं? इसकी आपने कहीं कंप्लेन करी, कोई शिकायत की? नहीं, हम तो कहने की पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने कभी यहाँ मौजूदा जो प्रधान है, आपके प्रधान से कभी बात करी इसके लिए? प्रधान कभी आज रहा है तो बात किन रहा है, जब तब दे रहा है, और फिर जब तेजी बने तब तीन चार पर कहीं पंच नहीं तुम्हारे खड़ा काट। दादाजी आपका नाम क्या है? छोटे लाल। आप किस गांव में रहते हैं? गांव यही है। क्या नाम है गांव? लुखरिया केरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या है राशन नहीं देते और काम खत्म कॉलिंग सुनते। कौन कोटेदार है आपका? नंजन तारा सिंह। तारा सिंह क्या कहता है? कहते हैं दुआ जनाओ लड़का का कार्ड। अच्छा, राशन कार्ड कौन सा है आपका? लाल वाला अंत्योदय कार्ड है। उसके बावजूद आपको राशन नहीं देता है? कब से नहीं दिया है आपको राशन? इलेक्शन के पहले नहीं। इलेक्शन से पहले से नहीं दे रहा है? नहीं। तो कोई लड़ाई आपसे, कोई दुश्मनी है, क्या है? कुछ नहीं, हम भी बचाया है क्या? अच्छा बचाया है। हाँ। किस चीज़ में बचाया है आपने इसे? हमने बचाया यूँ है, ये भाई सुंदरवाल थे, उनका कुत्ता प्रेम होता कबिया जी ने सफी पूरी मार, हसबैंड हमें लगा दो हजार नंबर हमसे लगा दे, कल मिलते तुमका। अच्छा, आपने पहले कह दिया होगा कि हाँ मिलता है, अब वो देता नहीं आपको? सुंदरलाल। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नन्हेलाल है। नन्हेलाल किस गांव के निवासी हैं? लुखरिया के मौजा खुसरूपुर। क्या मामला है आपका? मामला भैया है, राशन वो अंगूठा लगवा लेते हैं, कहते हैं अंगूठा लगा दो, शाम को आना राशन ले जाना, 10 बजे आना राशन ले जाना। कौन कोटेदार है? तारा सिंह। ये कब होता है आपके साथ? जब मैं लेने आता तब होता हमारे साथ। तो कब से नहीं मिला आपको राशन? 12 तारीख को नहीं मिला, फिर 29 तारीख को नहीं, 29 तारीख को लगवा लिया, वो भी नहीं मिला। आज जब कल लगवा के गए, बोला वो इंजेक्शन लगवा के आओ तब मिलेगा, तो हमने कहा हम लगवा रखा इंजेक्शन। हमारा ग्राम पंचायत का नाम बता दो। ग्राम पंचायत खुसरूपुर हमारा है। खुसरूपुर है। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? भोला। भोला नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम जब कोटे पे आते हैं तो ये अंगूठा लगाता नहीं, जब कहते हैं कि तुम अपने को ले लीजिए तब अंगूठा लगाने को। किस गाँव का मामला है ये? ये मौजा खुसरूपुर है। खुसरूपुर हम भिखारी। अच्छा। हाँ। तो ये कोटेदार कौन है? तारा सिंह। तो जब भी लेने आते हैं राशन देता नहीं, दारू पी के बैठता है, गाली देता है, यही सब सबको बक्का करता है। अच्छा। इसके अभी जब हम गए लेने तो से कहने लगा आज मशीन बिगड़ी है, और जब हमने कहा कि आप अपने को ले जाइए हम अंगूठा लगा दें, तब कह रहा लाओ लगा लें अंगूठा। अच्छा, मतलब कि आपने कहा कि आप नहीं देना चाहते हो तो आप रख लो। हाँ, मगर कहा मेरा लगा दें। हाँ। और आपने मांगा तो कहता कि नहीं लग पाएगा, खराब है मशीन खराब है। अच्छा, अंगूठा लगा दिया आपने? नहीं लगाया। फिर हम जब हमें मिलने उसी को जब उसकी चाल हम देख रहे थे कि ये क्या सही मशीन है कि गलत है। अच्छा, ये जो प्रॉक्सी होती है, प्रॉक्सी के तहत राशन हड़प लिया जाता है, जैसे कि बाद में खारिज होता है ना राशन। हाँ? तो ये आधार से लिंक है आपका, तो आधार से ही सारा कुछ होता है। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि राशन ये लोग सब जपत कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आदमी नहीं ले पाता है उसका राशन उनका हो जाता है। जो आप बता रहे हैं गाली देते हैं। हाँ। तो ये गाली सिर्फ आज ही दी है या हमेशा कर रही है? हमेशा का नियम चला। ये गाली कौन बकता है? ये कोटेदार तारा सिंह। तारा सिंह और गाली की वजह से हम लोग वहाँ ज्यादा
मुंह नहीं लड़ाते हैं। बात है कि लेओ देओ भोसड़ी बगल हो, बगल हो। अरे भाई क्या कहते हैं यार, लेओ देओ भोसड़ी बगल हो। अच्छा और कर पाते हैं वो पैसा देकर। अच्छा यहाँ कभी पहले जांच हुई है क्या इस कोटे की? जांच होती है, पैसा लेकर सब काम खत्म हो जाता है वहाँ। अच्छा कर देते हैं, पैसा लेकर सब काम खत्म हो जाता है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं। आप लोगों से पूछताछ नहीं होती जब जांच होने आती है? जांच होती है मगर वो पैसा लेकर फिर वहीं पे काम खत्म कर देते हैं। आप लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पूछा जाता है कि नहीं? पूछा जाता है, सब कुछ किया जाता है मगर वो लोग कोटेदार लोग ऊपर से पैसा जमा कर काम वहीं पे दबा देते हैं। अच्छा जो अधिकारी आते हैं उनको ये सब करके दबा दिया जाता है तो हम लोग फिर वैसे कैसे रह जाए? क्या बताया दादा? नहीं जाएंगे। क्या कहता है? जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ। जाओ हमको आगे पता नहीं तो कहाँ जाएंगे? ज्यादा ज्यादा जैसे बाजार गए गांव से घर। तो ये तो एक प्रकार की धमकी हो गई कि जहाँ मर्जी इससे जाओ। उसके हाथ में सब कुछ धमकी तो है ही, इससे ज्यादा धमकी क्या होगी? तो इतने सब जब ग्रामीण इनसे प्रताड़ित हैं तो एकजुट होकर कभी शिकायत नहीं करने का साहस कर पाए? कोई जुट नहीं होता। अच्छा कोई जुट नहीं होता है। हमको बुलाया, हमको चुपचाप आज हमने शिकायत करी, आज हमको कल बुला के चुपचाप दे के देगा, परसों फिर आएंगे तो फिर हमारी ऐसी कैसी करती है? अरे सर बाप बेटा का नहीं होता है तो समाज है, समाज कहाँ इकट्ठा हो जाएगी?